नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे ASD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ASD जो है, इसको आप पूरा एक अम्ब्रेला टर्म मानकर चल सकते हैं। इसके अंदर कई डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, दूसरा है PDD-NOS एंड थर्ड स्पर्जर सिंड्रोम। ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि हो सकता है कि ऑटिज़म के प्रॉब्लम हैं, सिम्टम्स हैं, लेकिन बहुत माइनर है। कहीं पे वो बहुत माइल्ड है, कहीं पे वो सीवियर भी हो सकते हैं। इसलिए इनको ASD कहा गया है कि ये माइल्ड टू सीवियर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात है कि हम लोग कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। आजकल पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो गए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ भी दिखती है तो वो डर जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है। तो अभी हम लोग सबसे पहले कैसे पता करते हैं कि किस बच्चे को ASD है। तो अगर हम लोग अर्ली इंटरवेंशन की बात करें, अगर अर्ली उनके साइन के बारे में बात करें कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लगभग एक साल में बच्चा होता है, एक साल से डेढ़ साल के बीच में, तब भी अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे, उसके सारे फंक्शंस को वॉच करेंगे, तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स समझ में आते हैं कि इसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब बहुत छोटा बच्चा होता है, लगभग एक साल का या 9 महीना से एक साल के बीच में, तब उसमें सोशल स्माइल प्रेजेंट होता है। वो अपनी मदर को देखता है तो स्माइल करता है, जो भी उसके साथ घर में रहते हैं उनके साथ उसका आई टू आई कॉन्टैक्ट भी होता है। अगर आप उसका नाम लेंगे, प्यार से उसको दुलार करेंगे, बुलाएंगे, तो वो तुरंत आपकी तरफ पलट कर देखता है। ये सारा सेंसेस बच्चों में तब स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, खास करके जिनमें ऑटिज़म होता है, ऑटिस्टिक बिहेवियर जिनके अंदर हो सकता है, तो वो बच्चे क्या आप देखेंगे कि इस तरह के रिएक्शंस नहीं देते हैं। माँ बुला रही है तब भी वो नहीं देखेंगे, कोई आया कमरे में गया उसे कोई फ़र्क नहीं, वो अपने आप में मस्त है। अगर वो खेल रहा है तो खुद से खेल रहा है, मतलब इंटरेक्शन जो होता है दूसरों से, वो इंटरेक्शन उसका बहुत कम होता है। जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, लगभग डेढ़ साल के आसपास, तो आप देखेंगे कि अगर माँ है या कोई भी घर का है, तो अगर उसने ऐसे बुलाया उसको, तो वो बच्चा तुरंत हाथ फैलाता है कि मुझे गोद में उठा लो, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे जेस्चर होते हैं जो बच्चे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन बच्चों में जिन्हें ऑटिज़म हो सकता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, दूसरा चीज़ है कि बच्चों में लैंग्वेज का बहुत कमी पाया जाता है। बच्चे कई बार तो देखा गया है कि कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं, बैबलिंग करना भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है, मेरे पास कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनका पहला यही कहना होता है कि मैम पहले तो ये बच्चा बिल्कुल बोलता था, सारा नाना दादा मम्मा पापा सब बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता था, लेकिन अब नहीं करता है। तो कई केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे शुरुआत में बोलना शुरू करते हैं, एक दो वर्ड्स वो बोलते हैं, लेकिन फिर जैसे वो वर्ड्स भी भूल जाते हैं, वो कभी वो फिर रिपीट नहीं करते, या रैंडमली कभी अचानक से बोल देंगे, फिर आप बुलवाते रह जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। फिर हो सकता है कई महीनों के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, फिर अचानक से कोई एक वर्ड बोल देंगे। तो ये ऑटिज़म में ऐसा होता है। तो ये उसका पहला लक्षण है। जब हम लोग अगर सोचेंगे तो बचपन में ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो बच्चा अपने उसका नाम बुलाने पर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसका आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत पुअर है। अगर अब वो आपसे बात करता है तो वो आपकी आंखों की तरफ नहीं देखेगा, या वो बात करेगा नहीं, उसको बात शुरू करने में भी दिक्कत होती है या बात को कंटिन्यू करने में भी दिक्कत होती है। उसके एक्चुअली नॉन वर्बल और वर्बल दोनों जो कम्युनिकेशन है, वो दोनों ही पुअर होते हैं। वर्बली जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ये, और नॉन वर्बल मीन्स जेस्चर से, जैसे पानी मांगना है तो पानी दिखाया, तो इस तरीके का, या कोई टॉय चाहिए तो वो पर्टिकुलर टॉय दिखा रहा है, मतलब वो बता रहा है कि ये चीज़ चाहिए ये, और रिलेशन कुछ भी नहीं वो बना पाता है। जैसे
अगर मम्मा आती है, छोटा भी बच्चा, एक साल का, दो साल का या तीन साल का बच्चा, अगर मम्मा बाहर से आई, पापा बाहर से आए, तो बच्चा क्या होता है, देखते के साथ खुश हो जाता है कि मम्मा आ गई, पापा आ गए, तुरंत दौड़ कर जाएगा। लेकिन अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा है जो आपके आने पे या किसी भी नोन के आने पे वो बिल्कुल भी कोई रिएक्शन इस तरीके का नहीं देता है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप आए या गए, या कोई स्ट्रेंजर बिल्कुल अनजान आदमी है उसके पास वो जाता है और बिल्कुल पहली बार में उससे घुल मिल जाता है। कई पेरेंट्स तो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा तो सबसे फ्रेंडशिप कर लेता है। एक्चुअली वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो सब लोग उससे उसके लिए एक ही जैसे हैं, तो ना उसके मन में कोई डर है, ना उसके मन में कोई बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो क्या है, सबसे इक्वली ही सबको ट्रीट कर रहा है। तो ये चीज़ कहीं से भी अगर देखा जाए तो बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ होता है, तो वो स्ट्रेंजर से अगर तुरंत घुल मिल जाता है या नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे आपके साथ है, या बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन बिल्कुल उसको कोई परेशानी नहीं है स्ट्रेंजर से मिलने में, तो ये भी एक आपके लिए रेड अलर्ट हो सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कुछ बच्चों में अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कोई जब कभी जानवर कोई निकालता उस तरीके की आवाज़ें अचानक से निकालेंगे। कई बच्चे बहुत टेढ़ी नज़र से, ऐसे टेढ़ी नज़र से देखते हैं। कुछ बच्चों में बहुत हैंड फ्लैपिंग की हैबिट होती है, अगर तो रॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग, ये सब उनका आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बच्चों का जो सेंसरी फीलिंग है, जैसे हम लोगों का जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर काम करते हैं। अगर मैंने अपने हाथ पे हल्के से चोट लगा तो हल्का दर्द, पेन महसूस हुआ मुझे, लेकिन अगर तेज मारूंगी तो वो तेज पेन महसूस होगा। या मान लीजिए कि कुछ हल्का कोई आवाज़ आया घर में, तो वो मुझे सुनने में लगा कि हाँ धीरे कोई आवाज़ आ रहा है, बहुत लाउड हुआ तो मुझे लगा कि वो लाउड है, मतलब अप्रोप्रिएट मुझे उसका फीलिंग हो रहा है जैसा वो है। अगर हल्का गर्म कोई चीज़ है तो हल्का ही गर्म लग रहा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। लेकिन इन बच्चों में क्या होता है, हाइपर और हाइपो सेंसेशन ये पाया जाता है। कैसे हो सकता है कि जब कोई बहुत ज़ोर से, बहुत लाउड म्यूज़िक या लाउड कोई ड्रम बज रहा है, लेकिन आपके बच्चे को कुछ भी परेशानी उससे नहीं हो रही है, वो बोल बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जब आपको लग रहा है कि बहुत शोर हो रहा है। और कई बार जैसे आपके घर में मान लीजिए कुकर ने सीटी दिया या मिक्सी चल रहा है, तो कई बार आपके लिए वो डे टू डे लाइफ का एक साउंड है जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हो सकता है कि वो साउंड आपके बच्चे को बहुत परेशान कर दे, उस साउंड के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, और जो लाउड म्यूज़िक था या लाउड साउंड था जिससे आपको परेशानी हो रही थी, हो सकता है उससे उसको परेशानी ना हो रही हो। कई बार आप देखेंगे कि आपके बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी, उसका पूरा खून निकल रहा है लेकिन उसको कोई पेन नहीं है, वो बिल्कुल रो ही नहीं रहा है। पेरेंट्स कई बार मुझसे ये बोलते हैं, मैम मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है, इसको तो चोट लग जाती है, खून निकलता रहता है लेकिन बिल्कुल रोता ही नहीं है। अब आप सोचिए ये बहादुर है या क्या मैं इसको बोलूँ। इसमें ये होता है कि जब आपको चोट लगती है तो आपको जैसे यहाँ चोट लगी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ चोट लगी तो यहाँ से हमारा मैसेज ब्रेन को जाता है और तब हम उस पेन को महसूस करते हैं। हमारे बच्चे में क्योंकि ASD न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो ये जो मैसेज जाता है, ये वायरिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक करता है, तो ये जो उसको चोट लगी, ब्लड भी निकला लेकिन वो मैसेज वहाँ तक प्रॉपर नहीं जा पाया, तो जिससे उसको उस पेन उसने महसूस ही नहीं किया। तो अगर उस पेन की अनुभूति उसको नहीं हुई, उसने महसूस नहीं किया, तो क्या होगा, वो नहीं रोएगा, नेचुरल है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हाइपो सेंसेशन हो गया उसको, मतलब टेक्टाइल उसका जो है ये सेंसेशन उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि मैम मेरा बच्चा तो बहुत फ्रेंडली है, ये तो रास्ते पे कोई भी एनिमल होता है, कुछ भी होता है, उससे तो उसको डर नहीं लगता, उसके पास बिल्कुल चला जाता है, उसको पकड़ने लगता है, प्यार करने लगता है। अब आप सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप किसी चीज़ से कैसे डरते हैं या किसी चीज़ से अपने आप को कैसे बचाते हैं। जब आपको पता होता है कि आपको उस चीज़ से क्या हार्म होने वाला है, अगर मैं छत के किनारे जाती हूँ तो अपने आप को रोकती हूँ कि बहुत किनारे नहीं जाऊँ, वो बच्चे क्या होता है, एकदम बिंदास चले जाते हैं। क्यों, मैं क्यों रुकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉर्नर पे जाऊंगी तो मैं गिर सकती हूँ, मुझे चोट लग सकती है,
लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी आभास नहीं है कि वो अगर किनारे जाएगा वो गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, तो वो नहीं डरता। उसी तरीके से वो, क्योंकि उससे कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस एनिमल से उसको हार्म हो सकता है, तो वो आराम से उसके पास चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका कुछ भी थॉट प्रोसेस या पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिससे उसका ये बिहेवियर आप देख पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। तो आप लोग भी अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बच्चों में एक सिम्टम ऐसा पाया जाता है कि बच्चे किसी टॉय से बिल्कुल गलत तरीके से खेलते हैं। जैसे अगर कार से कोई बच्चा खेलेगा तो कैसे खेलेगा, उसको चलाएगा, लेकिन वो बच्चा क्या खेलेगा, ऑड प्लेइंग इसको बोलते हैं कि ऑड तरीके से प्ले कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, हो सकता है उस कार को उल्टा कर दे, उसका जो व्हील है उसको घुमाए, मतलब वो पूरे टॉय पे फोकस ना करके उसके सिर्फ एक किसी पार्ट पे फोकस कर रहा है, या सिर्फ बहुत सारी गाड़ियां हैं तो उसको सिर्फ रो में लगा रहा है। मतलब आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। आजकल कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि 1 in 54, लगभग 54 में से एक बच्चे में ऑटिज़म के लक्षण पाए जा रहे हैं, और लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में ही ऑटिज़म पाया जा रहा है। पिछले कुछ साल के स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि हर साल लगभग 10-17% केसेस इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि इतने ज़्यादा बच्चों में ऑटिज़म देखा जा रहा है, तो एक्चुअली इसके क्या कारण है ये अभी तक 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसर्च इस पर चल ही रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि मे बी कि इससे हो रहा हो, उन चीज़ों की चर्चा मैं यहाँ पे ज़रूर आपसे करूँगी। पहला है जेनेटिक। जेनेटिक में देखा जा रहा है कि 10-20% केसेस में जेनेटिक का भी रोल आ रहा है। अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री है कि किसी फैमिली में कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड था, तो उस फैमिली में 10-20% चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटिज़म होने के। अगर किसी को उसके घर में ऑटिज़म नहीं था लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम था, बिहेवियरल इश्यूज था, तो भी उस बच्चे को चांसेस हो जाते हैं ऑटिज़म होने के। दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है। तीसरा है पेरेंटल एज। पेरेंटल एज भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर मदर का एज ज़्यादा है तो मे बी कि ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मेच्योर डिलीवरी से प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। अगर लो बर्थ वेट है बच्चे का, अगर वो अंडर वेट है तो उसमें प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो मदर है उसने कुछ मेडिसिंस ऐसे ले लिए हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है, कुछ मेडिसिंस का भी साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही जिन पे काम चल रहा है, और रिसर्च भी चल रहा है कि अभी आगे और फाइंडिंग्स हो सकता है कि आएंगी, लेकिन अभी 100% श्योर नहीं है कि यही सारे कारण हैं। ऑटिज़म का डायग्नोसिस कैसे होता है? ऑटिज़म का डायग्नोसिस जो है वो कभी भी लेबोरेटरी से नहीं होगा, लेबोरेटरी टेस्ट से नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी पेरेंट्स आते हैं ना, तो क्योंकि ऑटिस्टिक चाइल्ड में रिस्पांस की कमी होती है, सोशल इंटरेक्शन की कमी होती है, वो रिएक्ट नहीं जल्दी करते हैं, तो इस वजह से घर में क्या होता है कि पेरेंट्स उसको आवाज़ दे रहे हैं उसके नाम से, वो अपने नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो पलट कर देखता नहीं कई बार। तो पेरेंट्स को सबसे पहला शक क्या होता है कि मेरा बच्चा शायद सुनता नहीं है, तो वो सबसे पहले उसको ENT के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पे उसका प्रॉपर टेस्ट होता है। फाइंडिंग्स में बिल्कुल भी कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आने वाला, क्योंकि उसका हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो वहाँ पे वो नॉर्मल आ जाएगा। मैंने खुद भी देखा है कि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं, अगर उनका पहले MRI हुआ है, मैक्सिमम MRIs नॉर्मल होते हैं, उनमें कोई भी फाइंडिंग्स नहीं होता है, उनके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। तो आप किसी भी लेबोरेटरी के टेस्ट से उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं ऑटिज़म को? कुछ हमारे पास असेसमेंट्स हैं जो क्वेश्चनेयर बेस्ड हैं, जो उनके पेरेंट्स से पूछे जाते हैं।
बच्चे के माइलस्टोन्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, बच्चे के जो स्पीच का लेवल है उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के बारे में, ये सारी चीज़ें, और जिसके आधार पे हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दूसरा होता है, कई बार हम लोग बच्चों को ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं, जिस आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है। कई बार सिम्टम्स ओवरलैप करती हैं, यहाँ पे ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ADHD अटेंशन डेफिसिट विथ हाइपर डिसऑर्डर एंड ऑटिज़म, दोनों में हाइपर एक्टिविटी पाया जाता है, दोनों में बच्चे हाइपर होते हैं। इतना माइनर डिफरेंस होता है दोनों में कि कई बार जो प्रोफेशनल है उनको भी वक्त लगता है इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने में। तो पेरेंट्स को उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी कि जैसे ADHD अगर जिसमें भी है तो वो बच्चा क्या करता है कि पर्पसली किसी को सोच के रखेगा कि उसको मारना है, उसको गिराना है, इस तरीके की हरकत होती है। उसका लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज हो सकता है प्रॉपर हो, इस तरीके की चीज़ें होती है ADHD में। हालांकि ऑटिज़म में इस तरीके का चीज़ नहीं होता है, वो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, खुद ब खुद खेलना चाहते हैं। अगर हाइपर है भी तो इंटेंशनली किसी को कुछ हार्म करने का उनमें वो टेंडेंसी नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है कई बार, अगर प्रोमिनेंट नहीं है सब कुछ तो। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ऑटिज़म है तो ऑटिज़म में सिर्फ कुछ फीचर्स हो सकते हैं, कई बार मॉडरेट हो सकता है, कई बार सीवियर हो सकता है। तो अगर सीवियर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है, मॉडरेट है तब भी आइडेंटिफाई हो जाता है, माइल्ड में मे भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, या अगर एकदम बिल्कुल कुछ सिम्टम्स है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा पेशेंस यहाँ पे पेरेंट्स को रखना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होता है ऑटिज़म का? ट्रीटमेंट देखिए, जो ASD है ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ये कभी भी 100% क्योर नहीं हो सकता है। अगर कोई भी अगर आपको बोलता है कि हम आपके बच्चे का ऑटिज़म 100% क्योर कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 100% क्योर नहीं हो सकता, मैनेज किया जा सकता है, बहुत हद तक सही किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर वो माइल्ड है, कुछ फीचर्स है, तो बहुत हद तक वो बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसके हिसाब से ही वो प्रोग्नोसिस भी बताया जाता है। बच्चा जो माइल्ड है कि सीवियर है, उस आधार पे हम लोग उसके लिए प्लान बनाते हैं। अगर माइल्ड है तो उसके हिसाब से प्लान बनेगा, सीवियर है तो उस हिसाब से बनेगा, क्या उसकी ज़रूरत है, किस तरीके का स्किल हम लोग को इम्प्रूव करना है। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड वैरी करता है, वो प्रोफेशनल तय करते हैं कि किस बच्चे के लिए क्या टारगेट रखना, उस हिसाब से वो काम होता है। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी पेरेंट्स को, जो बहुत मेजॉरिटी पेरेंट्स जो गलती करते हैं, उनको क्या लगता है अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखाई देती कि बस मेरा बच्चा बोलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि स्पीच थेरेपी में सीधा डाल देते हैं। स्पीच थेरेपी में सिर्फ अगर डालेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि आज चावल खा लिया, कल दाल खा लिया, परसों सब्जी खा ली, तो सारे न्यूट्रिशंस आपको एक साथ बॉडी को नहीं मिलेंगे। जो ऑटिज़म जो है, ASD है, इसमें सारे थेरेपी का कॉम्बिनेशन बच्चे का पैरेलल में चलना चाहिए। उनका OT होना चाहिए, उनका स्पीच होना चाहिए, उनका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, अगर बड़े हैं तो उनका स्पेशल एजुकेशन भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लान्ड वे में और एक साथ होनी चाहिए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सिर्फ एक चीज़ करा लेने से, कई बार पेरेंट्स को लगता है आज पहले स्पीच करा लेते हैं, स्पीच आ जाएगा फिर OT करा लेंगे, OT करा लेंगे तब फिर बच्चा पढ़ाई में जाएगा, तो ये चीज़ें ना करें। आप लोग ऐसी जगह उनके लिए देखें जहाँ पे सारे थेरेपीज एक साथ होते हैं, तभी वो आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। एक बात मैं और कहूँगी, क्योंकि मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ नोटिस किया है, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा उतावले होते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। हो सकता है कि आपका बच्चा नहीं बोले, देर से बोले। बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीच नहीं होता, इस बात को पेरेंट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है वो बच्चा ना बोले, लेकिन वो अपने जेस्चर से आपको बताना शुरू कर दे।
अभी तक क्या होता था, बच्चा को भूख लगी है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है, आप भी परेशान है कि क्या ज़रूरत है। लेकिन एक सर्टेन फेज के बाद आफ्टर थेरेपी अगर उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप हो गया, अगर उसको भूख लगी और उसने कुछ खाने की चीज़ को इंडिकेट किया आपको, तो एटलीस्ट उसने अब कम्युनिकेट कर दिया आपको कि उसको क्या चाहिए। तो इसको आप कम आपको आंकना नहीं है। अगर हो सकता है कि बच्चे का स्पीच जल्दी ना आए, लेकिन अगर नॉन वर्बल भी अगर उसका डेवलप हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके बच्चे में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत गुड साइन है और आपको ये इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और है कि ASD के साथ साथ कई बार एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सीजर हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को दौरे पड़ते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे बच्चों को होता है, हमेशा अक्सर आप सुनेंगे पेट खराब है या गैस बन रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम उनको होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नींद उनको अच्छे से नहीं आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। बहुत सारे बच्चों को फीडिंग का प्रॉब्लम, मतलब अच्छे से ढंग से खाना नहीं खाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं ASD के साथ, तो उस कंडीशन में बच्चे के ट्रीटमेंट में थेरेपी के साथ साथ कुछ मेडिकेशंस भी चलेंगे, दोनों पैरेलल में ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप थेरेपी करवा रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए उनका मेडिसिन नहीं करवाएंगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इन चीज़ों के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरत है। और अगर बच्चा आपका हाइपर है, तो अगर एक लेवल तक हाइपर है, अगर आपका थेरेपिस्ट बोलता है कि हम लोग इतने हाइपर एक्टिविटीज़ को थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप थेरेपी के थ्रू करें, ये बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर इस लेवल का बच्चा हाइपर है कि किसी से भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर कुछ दिन मेडिकेशन का सपोर्ट ले सकते हैं। मेडिसिन अगर उसको दिलवाएंगे तो कुछ दिन अगर वो कंट्रोल में आएगा, तो वो थेरेपी को ज़्यादा बेटर तरीके से लेने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे करके डॉक्टर सलाह लेके वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं उस मेडिसिन को। सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। कुछ बच्चों में वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ बच्चों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, कुछ बच्चों में उनके स्टडीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों में इंटरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली उसके जो थेरेपिस्ट होते हैं वो प्लान बनाते हैं और उस पर उनको काम करना होता है, और धीरे धीरे वो अपग्रेड भी करते जाते हैं उसकी, कैसे कैसे उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। एक बात मैं और कहूँगी पेरेंट्स को कि कभी भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर ना करें। ऑटिज़म ही है, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, हाई फंक्शनल ऑटिज़म है तो वो बच्चा इम्प्रूव भी जल्दी करेगा। कोई बच्चा हो सकता है मॉडरेट टू सीवियर है, तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई माइल्ड है तो वो ज़्यादा होगा। तो हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चे का प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो उसको टाइम भी अलग लगेगा, उसका तरीका भी डिफरेंट होगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना, और इसमें पेशेंस बहुत की वर्ड है। ऑटिज़म के थेरेपी में या ट्रीटमेंट में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, प्लस पूरी फैमिली को एक टीम के जैसा उस बच्चे के साथ काम करना होता है। जब सब लोग टीम के जैसा काम करेंगे, तभी उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि एक डेडिकेशन तो ज़रूर चाहिए, पेशेंस भी ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ आप सोचेंगे कि मदर देख लेगी, फादर देख लेंगे, तो नहीं हो सकता है। सब लोग जब मिल के काम करेंगे तो आपको ज़रूर एक अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स 2 महीने थेरेपी कराते हैं, 1 महीना ब्रेक कर देते हैं, 3 महीना थेरेपी कराते हैं, 2 महीना ब्रेक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें एक कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत होती है। कंटिन्यू थेरेपी अगर होता है, बिल्कुल सही ढंग से होता है, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, और बच्चे बहुत सही होते हैं, बहुत अच्छे होने लगते हैं धीरे धीरे। ऐसे बच्चों में देखते हैं हम लोग कि उनके रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत वीक होते हैं, किसी से वो रिलेशन नहीं बना पाता है। मतलब यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 7-8 ईयर्स के बच्चे आते हैं, ऑटिज़म उनका डायग्नोसिस होता है, वो अपने पेरेंट्स तक को नहीं पहचानते हैं। मतलब उसको नहीं पता कि मेरी मम्मा कौन है, मेरे पापा कौन है। दोस्त नहीं बना पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो दोस्त बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता है, उसको कैसे उससे दोस्ती करें,
उससे कैसे बात करें, ये उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हम लोग जब थेरेपी करते हैं तो उसमें ग्रुप थेरेपी भी होता है, प्ले थेरेपी भी होता है, ABA मेथड भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग फोकस करते हैं कि उसका प्रॉब्लम कहाँ है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हम लोग थेरेपीज़ प्लान करते हैं, जिससे उस बच्चे को बहुत बेनिफिट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर कुछ आप लोग और जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का जवाब देने का। थैंक यू सो मच।